जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर ओम चोई के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, ताकि आपको मोटिवेशनल्स वीडियो, निःशुल्क ज्योतिष परामर्श और ज्योतिष के बारे में सही जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती रहे। उसी कड़ी में हम आपसे बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके अधिकतम लोगों तक ये बात पहुंच पाए। दोस्तों, पहली बात कहना चाहता हूँ कि जाने आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं खास। हम बहुत निराश हैं, हताश हैं, लोगों से तुलना करा करते हैं हम हमेशा खुद को अन्य के मुकाबले कमज़ोर समझते हैं। तो अगर आपके मन में ऐसे कई सारे ख्याल अगर आते हैं खुद के प्रति, तो आप जाने कि आपके पास क्या चीज़ें हैं जिनका सदुपयोग करके आप जीवन में हमेशा उन्नति को प्राप्त करेंगे। तो पहली और मुख्य बात है आपका आत्मविश्वास। कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता दोस्तों, बड़ा उसका आत्मविश्वास होता है। ओवर कॉन्फिडेंस एक विषय अलग होगा। आप ओवर कॉन्फिडेंस अति आत्मविश्वास विषय बहुत अलग होता है। अति आत्मविश्वास आपको कई बार परेशानी में डाल देता है। तो पहली बात यही है कि आप के पास और आपका आत्मविश्वास स्वयं पर होना चाहिए, कि आत्मविश्वास सफलता की पूंजी है। तो इसलिए अपने आत्मविश्वास को कभी कमज़ोर मत होने दीजिएगा। अगर वो कमज़ोर होगा तो समझिएगा आप खुद कमज़ोर होंगे। इस शरीर में और कुछ भी नहीं है, शरीर में सबके पास हाथ पैर सब चीज़ समान है, लेकिन जो अंदर एक आत्मा बसी हुई है ना, वो सबसे अलग अलग भिन्न है। उसके सोचने का तरीका, उसका स्वाद, खान पीन, रहस्य, भाषा, सब कुछ बहुत अलग है। और उसकी जो कुंजी है, उसका जो रहस्य, वो है केवल आत्मविश्वास। आप आत्मविश्वास तेज होते जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी आत्मा, आपके अंदर जो आत्मा बसी है, जिसके न रहने पर व्यक्ति मृत्यु, जिसे कह देते हैं मृत शरीर घोषित कर देते, वो आपको रहस्य ऑटोमेटिकली सब चीज़ों के बताते जाएगी, वो आपको रास्ता बताएगी। तो पहली और मुख्य बात जो बहुत खास बात है हर महिला के लिए, हर पुरुष के लिए, हर युवा के लिए, आपका आत्मविश्वास। अब आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, आप किसी भी चीज़ के बारे में जो आपकी अज्ञानता है उसे ज्ञान में तब्दील कर लें। आप उसके बारे में पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, उसकी जानकारी इकट्ठा कर लें। वो जानकारी के लिए आपको परेशान होना पड़ेगा, लेकिन परेशान होने के बावजूद भी आपको जानकारी इकट्ठा करना होगी कि सच आखिर है क्या किसी भी विषय पर। दूसरी बात है कि पूरी कोशिश करें, अध्ययनशील रहते रहें, हमेशा अध्ययन करते रहें, प्रकृति को पढ़ें, लोगों को पढ़ें, और इन सब पढ़ने के बाद जब आप में एक अनुभवशील हो जाएंगे तो आत्मविश्वास आपका ऑटोमेटिकली हाई रहेगा। और अपनी जो गलतियाँ उनसे सीखें तो उससे भी आत्मविश्वास खास होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।